देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अब जरा बात करेंगे वफाक की। इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल की तरफ बात करें तो बहुत कुछ डेवलपमेंट्स नजर आती हैं। शहबाज गिल साहब की जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। खान साहब को दो रोज पहले जो कुछ किया गया उसके बाद आलमी तौर पे जो शोहरत नसीब हुई, एक बार फिर से दुनिया भर के बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज ने, मैगजीन्स ने खान साहब को अपनी खबरों की जीनत बनाया और खान साहब को का जो तस्करा आलमी फोरम पे होता हुआ नजर आया। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन करें गुफ्तगू करने के लिए जनाब काजी समी साहब, सीनियर सहाफी तजियाकार हैं। जरा इनसे जानते हैं ये जो सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही है और जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है उसमें क्या कुछ नजर आ रहा है। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम काजी साहब, पहले तो जरा ये बताएं कि इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, वफाकी हुकूमत का क्या किरदार नजर आ रहा है। देखिए वफाकी हुकूमत तो डे टू डे बिजनेस चला रही है अपना, और जो जिस सिनेरियो में आप जो सवाल कर रहे हैं मुझसे कि इमरान खान की जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है और वो किस तरह जी जी मुल्क की सियासत का जो है वो मुस्तकबिल में तायुन होने जा रहा है, वहां जहां तक ये मामला आया तो उसमें तो ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान जो है वो कानूनी तौर पर बड़ी मुश्किल में है और वो बड़े खतरे में है। इस हवाले से जाहिर है उनको अब कानून का सामना करना पड़ेगा। और जहां तक आप कहते हैं कि ये हुकूमत इस हवाले से क्या करेगी, तो हुकूमत का काम तो डे टू डे बिजनेस है। FIR हुई हुई है, सोरी अदालत का मामला अलग है, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तो वो भी फेस करना है। फिर दूसरा आपने IG इस्लामाबाद को और जो और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो जज को जिस तरह आपने धमकी अमेज अंदाज में मुखातिब किया है तो वो भी मामला था आपके सामने। इसी तरह आप वाला थाने में दफा 144 के तहत जो है FIR हुई है कल, तो वो भी सामने मौजूद है और उसमें भी कई लोग जो है PTI के अहम रहनुमा जो है उसमें। लेकिन काजी साहब एक सूरत हाल इसमें तब्दील भी तो हो रही है ना कि इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, पहले तो ये बात पाकिस्तान तक महदूद थी लेकिन अब आप देखें कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिविटीज हो रही हैं, आप सहाफियों के हवाले से बात करें, जो कुछ सहाफियों के साथ किया जा रहा है, जो कुछ शहबाज गिल साहब की जो मनाजर आ रही है, वीडियो फुटेजेस आ रही हैं और खान साहब के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं उसका तस्करा अब इंटरनेशनली किया जा रहा है। इंटरनेशनली न्यूज एजेंसीज ये खबरें ले रही हैं, इसको अपने अपने अखबारों की जीनत बना रही हैं। जी देखे, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी सहाफत बड़े गैर मामूली हालात से गुजर रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहां तक आलमी इंटरनेशनल मीडिया में इस हवाले से कवरेज हो रही है, ये देखे पाकिस्तान का दाखिली मामला है, ये इंटरनेशनल मीडिया के में जो भी कवरेज हो रही है, जो भी खबरें आ रही है, जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं वो पाकिस्तानी सियासत पर असरअंदाज नहीं हो सकते। लेकिन खान साहब का एक ही दिन में 20 से ज्यादा इंटरनेशनल जरीदों में इनकी खबर का शाया होना, यकीन तौर पे ये एक बड़ा साइन तो होगा कि खान साहब की मकबूलियत है या खान साहब की फॉलोइंग है या कहीं ना कहीं दीगर मामला भी होते हैं। आप तो बखूबी वाकिफ है इन सारे मामला से। देखिए सूरत हाल ये है कि नो डाउट है, जहां तक खान साहब की मकबूलियत की बात कर रही है उसमें उसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये सारा PR गेम भी होता है, ये दोनों तरह की चीजें हैं इसमें। एक तो एक तरफ खान साहब की PR भी जरूर इसमें शामिल है, दूसरा PTI का जो PR गेम है वो भी इसमें शामिल है। यार आपने देखा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं इमरान खान से और इमरान खान की पार्टी से, तो लिहाजा पे जाहिर है वो इंटरनेशनल सतह पर जो है और अपने अपने ममालिक में जहां वो रहते हैं बड़ा असर रसूख रखते हैं, तो मीडिया तक रसाई उनके लिए कोई मसला नहीं है। और ये काजी साहब ये जो इस वक्त आज ये जो डेवलपमेंट हुई है शहबाज गिल के हवाले से कि जो जिस्मानी रिमांड की सदा की थी वो मुस्तरद कर दी गई है, ये जो शहबाज गिल का जो मैटर है ये कहाँ तक जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगेन ये भी गवर्नमेंट के लिए जो रोज नई फुटेजेज आ रही हैं ये तो आवाम को उलझाने वाली बात है, शायद हम असल इशू से इसको हटे हुए नजर आते हैं। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, आपने वही बात की है जो मैं करना चाह रहा था। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो गैर मामूली बारिश है, पूरा मुल्क डूब रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग भूख से और प्यास से तिल मिला रहे हैं। वो सियासतदानों को इस हवाले से कोई तवज्जा नहीं है कि पाकिस्तान में बारिश की वजह से किस हद तक आवाम जो है परेशान है।
तो वो हम सियासी जमातें अपनी सियासत खेल रही हैं और आवाम जो है वो बारिशों से और सैलाब से मर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सारी तवज्जो जो है। तो आपको नहीं लगता कि काजी साहब जो वफाकी हुकूमत का जो किरदार होता है वो ना सिर्फ ये हो कि डे टू डे मामलात को निपटाया जाए बल्कि आम तौर पर देर पा सुकून आवाम को मुहैया किया जाए, आवाम की मुश्किल को समझते हुए इकदाम उठाए जाए? नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये देखें ना, ये ना भूले आवाम, ये भी ना भूले कि इस वक्त 75% पाकिस्तान पर हुकूमत किसकी है? पीटीआई की। पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, पीटीआई के पास है, एपीके जो है वो पीटीआई के पास है, ठीक है। इसी तरह बलूचिस्तान मैं तो दोनों फरीकैन की बात कर रहा हूँ, मैं तो ये कह नहीं रहा कि सिर्फ महज वफाकी हुकूमत, मैं तो कह रहा हूँ हर हुकूमत चाहे वो वफाकी है चाहे वो सूबाई है उसकी अव्वलीन तरजीह उसकी अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये मामला को टेकअप किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ जी का सर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, चाहे वफाक की हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। आप सिंध में देखें गुज़श्ता 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिर्फ 15 साल में ऐसा क्या किया है? ये एक गैर मामूली बारिश का एक पूरा स्पेल आया है 2010 के बाद, 2010 में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अब ये गैर मामूली स्पेल जब आया है बारिशों का, इसमें भी आपने कल ही खुल गई, पूरा सिंध डूबा हुआ है, बलोचिस्तान उधर देख रहे वो डूबा हुआ है। तो वफाक हो या सूबाई हुकूमतें हो चाहे वो किसी की भी हो, वो आम आदमी तो उनका मैटर रहा ही नहीं है, वो अपनी सियासत दर सियासत खेल रहे हैं, अपने पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ब्लेम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यही एक सियासत रह गई है पाकिस्तान। आपको नहीं लगता कि काजी साहब के इस वक्त खान साहब भले हुकूमत में नहीं है लेकिन हुकूमत की तवज्जो महज खान साहब पे नजर आती है और पूरी की पूरी हुकूमत की जो कुव्वत और तवानाई है वो खान साहब तक महदूद है, इसके अलावा कोई और काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा हुकूमत वक्त की जानिब से? देखिए मैं आपका सवाल वैलिड है, लेकिन आप ये भी तो बताएं ना कि खान साहब ने छोड़ा क्या है? खान साहब सियासत ही ऐसी कर रहे हैं कि हुकूमत की सारी तवज्जो उनकी तरफ हो। खान साहब ने कोई रास्ता छोड़ा है हुकूमत के पास? आप खुद बताएं कि वो खान साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब का बयान है खान साहब का बयानिया बिक रहा है, खान साहब के बयानिया मकबूलियत हासिल कर रहा है, फिर तो ये ना कहा जाए कि खान साहब ने कुछ छोड़ा नहीं है। खान साहब ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, खान साहब तो हर वो चीज जो चल रही होती है वो बयानिया उनका बयानिया होता है, यूटर्न लेना या बयानिया देना। अभी देखे ना आपसे जब से उनकी हुकूमत गई है खान साहब की, जी जी वो कितने बयानिये उनके आ चुके हैं और तब्दील हो चुके हैं, तो खान साहब की तो जबान से जो भी निकल रहा है वो बिक रहा है। तो क्यों काउंटर नहीं कर पा रही सर? आप तो जानते हैं 13 जमातें इत्तेहाद है, एक तरफ खान साहब मौजूद हैं, फिर भी वो अपोजिशन में ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं बनिस्बत 13 जमातों की हुकूमत के। देखिए 13 जमातें हो या 14 हो या 15 हो, इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है मुआशी मसला। पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमजोर है और इंतहाई कमजोर रहा था, बिल्कुल सही बात, और जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा मुआशत बहाल नहीं होगी। तो इस वक्त जो 13 जमातें हैं उनका जो भी पहले काम था, जाहिर है खान साहब का भी एक बयानिया है कि ये चोर डाकू वापस आ रहे हैं, अब इन चोर डाकू ने जाहिर है अपने मुकदमा भी खत्म करवाने होंगे, इनका भी अपना भी कोई इंटरेस्ट होगा, यकीनन होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान की मुआशी हालत है वो किस तरह बेहतर होगी, वो सियासी इस्तेकाम से बेहतर होगी। और ये सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा काजी साहब, ये भी जरा बताएं ये सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा, क्योंकि इस वक्त अगर इत्तलात की बात करें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अक्सर सीनियर रहनुमाओं की जानिब से इस बात की तरफ से इशारा दिया जा रहा है कि वो मौजूदा हुकूमत से ज्यादा मुतमईन नहीं है, वो ज्यादा खुश नहीं है और शायद कभी भी कोई बड़ा इकदाम किया जा सकता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब। बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल, आपने तो फिर भी ये कहा है कि ज्यादा मुतमईन नहीं है, मैं संभल के बात कर रहा हूं, मैं ये समझता हूँ वो टोटली नाराज बैठे और ये डिजास्टर होगा मौजूदा हुकूमत के लिए एमक्यूएम का नाराज होना, और एमक्यूएम मुकम्मल तौर पर नाराज बैठी है, एमक्यूएम के कोई जो उसके साथ जो भी मुआहिदा हुआ है उसके अभी तक एक नुक्ते पर भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। लेकिन इमरान खान की जो जहराना सियासत है वो प्लानिंग के साथ नहीं चले, अगर वो प्लानिंग के साथ चल रहे होते आज असेंबली में मौजूद होते तो आने वाले वक्तों में भी दोबारा रीबैक भी हो सकता था। बहुत से सियासत में तो कोई चीज बड़ी जो है वो कहा जाता है ना कि कोई भी चीज जो है वो जो प्लानिंग नामुमकिन नहीं है। काजी साहब वो जो प्लानिंग छूट गई, आपको लगता है कि शायद जो अभी 2 दिन पहले अमरीकी सफीर से मुलाकात की खबरें भी थी तो वो प्लानिंग एक बार फिर से ट्रैक पे होती हुई नजर आए, हो सकता है अपारा से भी कुछ मामला बेहतर होते हुए नजर आए? देखिये इस वक्त तो इमरान खान बहुत आगे निकल चुके हैं और इमरान की पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुकी है खान साहब की सियासत, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुकी है खान साहब की सियासत, बिल्कुल इस वक्त नो रिटर्न पर है और अभी भी उनको चाहिए कि वो
जो है अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको समझदार लोगों को बिठाए, जैसे परवेज इलाही है उनको अच्छा मशवरा देते हैं, सीएम पंजाब जो है अच्छा मशवरा देते हैं, मंजे सियासतदान है उनको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह चला जाता है और किस तरह मामला निपटाए जाते हैं। अगर मैं ये भी देख रहा हूँ कि अगर इमरान खान की यही चाह रहा ना सियासत रही तो आने वाले वक्तों में जिस तरह आपने एमक्यूएम की बात की है कि वो डिजास्टर हो सकता है, हुकूमत से नाराज बैठी है, इसी तरह चौधरी परवेज इलाही साहब भी और ये भी इमरान खान से अलग हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों तरफ मामला मुश्किल में है ना, आप ये कह रहे हैं मुश्किल में बस बहुत मुश्किल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत शुक्रिया खाजी समी साहब, आपने बड़े जबरदस्त इंसाइट दी। और यकीन तौर पे जहां हम ये बात करते हैं तस्करा होता है कि मौजूदा हुकूमत के लिए मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का साथ होना एक बड़ा रिलीफ है, तो वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी एक बड़ा नेगेटिव या एक कमजोर कड़ी मौजूद है, वो है मुस्लिम लीग काफ। इस वक्त इतलात की बात की जाए तो काफ लीग की जानिब से कुछ ज्यादा कुछ खुल के खान साहब की हिमायत या तहरीक इंसाफ के हवाले से मामलात और फैसलों का होते हुए नजर नहीं आते, लेकिन ये दोनों तरफ के मामलात हैं जो यकीन तौर पर खींचा। और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा तो ही माशी इस्तेकाम हो सकेगा, ये बात भी दुरुस्त है कि अगर मुल्क में इंतशार ना होगा, सियासी लीडरशिप सिविल सियासी लीडरशिप जो है वो बेहतर तौर पे अपना काम किरदार अदा करेगी तो सूरत हाल बेहतर होगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर साफी मेराज सिद्दीकी साहब, इनसे भी ज़रा जानते हैं कि जो इस वक्त इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ हुकूमत की जानिब से बड़ा क्रैकडाउन किया जा सकता है, उस क्रैकडाउन में खान साहब की गिरफ्तारी में क्या कुछ सदाकत है या महज ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स हैं, प्रेशर गेम है? मेराज साहब अस्सलाम वालेकुम। महराज साहब ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वफाकी मामलात जो चल रहे हैं, एक तरफ से हम देख रहे हैं कि पंजाब की टेरिटरी में मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान है वो नहीं जा रहे, इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडरशिप है वो नहीं जा रही, कहीं ना कहीं दोनों अतराफ से इस बात का खतरा है कि जो लाइन क्रॉस करेगा वो गिरफ्तार हो जाएगा, तो ये गिरफ्तारियां होती हुई नजर आ रही हैं आपको अनकरी कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यकीनन जो पाकिस्तान की सूरत हाल पिछले साढ़े चार पाँच सालों से है वो आपके सामने है। देखें, अभी तो इमरान खान के फॉलोवर्स या तो बढ़ गए हैं या बढ़ाया गया है, उसकी वजह यह है कि अगर ये हुकूमत पाँच साल पूरी रह जाती तो शायद उम्मीद थी कि इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी पाकिस्तान की आवाम के सामने होती, लेकिन क्योंकि साढ़े तीन साल के अंदर ही उनको हटाने के बाद जब किसी को इस तरह हटाया जाएगा तो यकीनन उनके पास एक जस्टिफिकेशन आ गया था। दौराने हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास जो पार्टी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल जीरो था, सिर्फ उनके वजरा ही वर्क करते थे, लेकिन जैसे ही हटाया गया और आवाम की जो फॉलोइंग बढ़ गई तो उसके बाद इनके साथ जैसे शहबाज गिल साहब और दीगर लोगों ने और उससे पहले जिस तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जो नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर पेश किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रहने वाले यूथ ने जो सोशल मीडिया पर जो फॉलोइंग की है उससे यकीनन पाकिस्तान की सालिमियत को, पाकिस्तान के अफवाज को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। यकीनन देखें, हर सूरत में पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं वो सियासी हों या समाजी हों या वो हीरोज हों, उन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नहीं बोलना है, बसूरत दीगर अगर वो ऐसा करते हैं तो यकीनन वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के गद्दारी के हवाले से काम करते हैं या किसी और के नैरेटिव को लेकर के पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं। ये बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में पहले एक पर्चा उठाया गया जब पाकिस्तान तहरीक हुकूमत इस पाकिस्तान वजीर आजम तहरीके में नहीं बनी थी वजीर आजम इमरान खान, तो उससे पहले उन्होंने पब्लिकली तौर पर आवाम के अंदर एक होप एक उम्मीद डाली कि अगर डॉलर महंगा हो जाए तो हुकूमत चोर होती है और जब बिजली का बिल बढ़ जाए तो हमें बिजली का बिल नहीं भरना है। यकीनन ये वो आवाज थी जो पाकिस्तानी आवाम की दिलों की आवाज थी, जो उनके साथ ज्यादतियां होती हैं, जो कराची इलेक्ट्रिक और पानी के शॉर्टेज, रोड के मुकम्मल नहीं होना, ये तमाम चीजें यकीनन आवाम के अंदर इस बात का दर्द है
इसी दर्द को खेलते हुए तहरीक इंसाफ ने प्ले किया, पाकिस्तान के आवाम के पेन को उनके सामने रखा। तो यकीनन पाकिस्तान के यूथ ने ये बात तस्लीम कर लिया कि ये वही शख्स है, ये वही पार्टी है जो एक आम आदमी को इंसाफ और आम आदमी जिन चीजों से महरूम है उसको वो दिलवाएगी। तो मेरा सा बयानिया बिका ना खान साहब का, उस वक्त भी बिका, आज फिर बिक रहा है। वो तो एक बयानिया ये था कि हुकूमत आ जाए और इस बुनियाद पर हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी आवाम ने इस ट्रक की बत्ती के पीछे पीछे वोट डाला और इनको कामयाब कर दिया। अब आवाम बिल्कुल वेट कर रही थी, फिर ड्यूरिंग हुकूमत इन्होंने कहा 75 साल की जो जो नुकसान हैं, करप्ट लोग हैं, इनको हम जैसे मुराद सईद के बयान को आपने सुना होगा कि 100-200 अरब रुपए आएगा, तो 100 अरब रुपए पाकिस्तान की आवाम को लगेगा और 100 अरब रुपए हम कर्जा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे इन्होंने जो हमारा कर्जा था उसमें भी 9 महीने की ताखीर से और फिर वो बढ़ता रहा, लेकिन अभी जो इन्होंने नैरेटिव लिया हुआ है कि अब हम ये जब इनको हुकूमत से हटाया गया या और हुकूमत से किसी ने हटाया नहीं था, ना पाकिस्तान ने हटाया ना फौज ने हटाया, बल्कि एक आईनी और कानूनी तरीके से जब अदम एतमाद का वोट डला असेंबली में, तो यकीनन आपके अपने गद्दार थे, अपने नेशनल असेंबली के लोगों ने आपको वोट नहीं डाला, तो हटने के बाद आपने जो इल्जाम लगाया वो अफवाज को लगाया, पाकिस्तानी फौज को लगाया, पाकिस्तान को कमजोर करने में क्या, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिसने भी पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिए उनको पाकिस्तान ने इबरत बना दिया है। इसकी मिसाल आपको कराची में भी मिलती होगी, बलूचिस्तान में भी मिलती होगी और मुख्तलिफ सूबों में मिलती होगी। लेकिन यही चीज जब शहबाज गुल के दगिल के साथ हुआ या उनके जो दीगर लोगों ने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान, लेकिन मेरा साहब मैं आप पे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता आपकी इस बात से कि अगर आप देखें कि पाकिस्तान में कितनी सियासी जमातें और कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की आड़ में वो जो तनकीद कर रहे होते हैं वो किस तरफ कर रहे होते हैं वो आप भी जानते हैं। जरदारी साहब के बेशतर स्टेटमेंट्स, बेशतर बयानात ये हैं कि उन्होंने कई बार ऐसी बातें की हैं, बिलावल साहब ने कई बार की हैं, मरियम नवाज साहिबा की तो अक्सर तक आ रही इसी एजेंडा के ऊपर मबनी नजर आती थी कि उसकी तकरीर का मरकज ही होता था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तो नाम लेके तनकीद की और क्या कुछ नहीं कहा अपने अपने लंदन में पहुंचने के बाद उन्होंने, तो ये तो हमारी सियासी जमातें करती आई हैं। खान साहब इसमें फर्द वाहिद तो नहीं है? देखें इसमें इसका मतलब यह है कि अगर अगर कोई शख्स मुल्क और आईन को तोड़े और अफवाज को गालियां दे और गलत कहे तो हम भी करेंगे, ये जस्टिफिकेशन नहीं, नहीं सर इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब तो ये भी है ना कि अगर किसी शख्स ने पहली दफा इकदाम किया तो उसको वहां पे रोकना चाहिए। हमारे मुल्क में तो एक शख्स अगर करप्शन करे 50 रुपए का एफिडेविट देके उसको रिहाई मिल जाती है सर। बस जी पाकिस्तान अफवाज के साथ एक मजबूरी है कि देखें वो बॉर्डरों की दफा करें, हुकूमत के बाहर रॉ के एजेंटों को रोके और दीगर जो हमारे पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, ममालिक काम कर रहे हैं, उन पे काम करें, या मुल्क के अंदर रहने वाले सियासी लोग जो सारी मराहत सारी अयाशियां अपने खानदानों को देते हैं और वो एक एक इमेज लेके रहते हैं उनके साथ मुकाबला करें। पाकिस्तानी अफवाज का काम तो हरगिज ये नहीं है कि वो सियासी मामला में पड़े, लेकिन और मैं चाहूंगा मेरा साहब इसके ऊपर बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान में हम देख रहे हैं मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, क्या सियासी लीडरशिप के हवाले से गद्दार के गद्दार होने के मुकदमात या गद्दारी के सर्टिफिकेट्स जारी करने चाहिए? आज यही हुआ कि खान साहब के हवाले से इस तरह के मुकदमात दर्ज किए गए और आपने उनको आलमी सतह पर हीरो बना दिया। 20 से 25 इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज ने इस खबर को रिपोर्ट किया और खान साहब की इस खबर को हाईलाइट किया। देखें जब जिस दिन इमरान खान ने ये कहा कि ये एक आलमी साजिश है और एक लेटर दिखलाया था, तो उस टाइम पाकिस्तानी आवाम ने दोबारा ये कहा कि जी हम अमेरिका के साथ रहने वाले लोगों को जो है ना वो नहीं करेंगे। लेकिन अभी ये बात साबित हो रही है। मैं इस बात को रोक के एक बात कहूंगा, देखें जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो राणा सनाउल्ला के साथ जो इन्होंने किया और दीगर सियासी लोगों के साथ जो किया है, जो एंटी नार्कोटिक का केस लगाया और किलों के हिसाब से यूरेन के केसेस को रजिस्टर करवाया, तो देखिए ये सियासी तौर पर एक दूसरे पे ये करते हैं।
मैं ही कहता हूँ कि उन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया होगा, लेकिन उसके बाद जब आप कहते हैं कि ये खत मुदाखलत है, उसके बाद आज ये बात जब इमरान खान ने बयान दिया और यूएनओ से आया और पूरी दुनिया के लोगों ने ये बात और दुनिया के इदारों ने ये बात किया कि एक ईमानदार शख्स पर पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि एक घर के अंदर हम एक दूसरे को इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन मुदाखलत बाहर से आए कि जनाब ये शख्स सही और ये शख्स गलत है, इसका मतलब, और अगर बाहर से कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं अंदर की कुछ ना कुछ कमजोरियां अपनी भी तो होंगी ना। अगर आप किसी और का नैरेटिव लेकर के पाकिस्तान में का कोई भी शख्स काम करता है तो डिसलाइक और लाइक करना यकीनन से बाहर वाले करते हैं और यही मुदाखलत है। और ये मेरा सब माजत कता कलामी की, मुझे जरा वक्त कम है, मैं चाहूंगा जरा इसके ऊपर बात कर दें कि क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत खान साहब गिरफ्तार करने का इकदाम करेगी आने वाले दिनों में? देखिए, अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा तो बिल्कुल वैसे ही जैसे 3.5 सालों में खान साहब को हटने पर इनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, वैसे ही अगर खान साहब को अरेस्टिंग की जाएगी तो खान साहब की मकबूलियत में और ज्यादा इजाफा होगा। और मैं आपके तवज्जो से सुनने वाले पाकिस्तानी यूथ को बताता चलूं कि देखें, कुरान की एक आयत का एक मफहूम है कि हम अंधी तकलीद ना करें। देखें, अंधी तकलीद ये है कि हमारी यूथ ने ये तय कर लिया है, सोशल मीडिया के जरिए जो नैरेटिव है कि अगर खान साहब होंगे तो पाकिस्तान होगा, ऐसा नहीं है। 75 सालों से कई लोग आए हैं जो पाकिस्तान की क्यादत की और पाकिस्तान के लिए शबरोज कोशिश करते रहे, गलतियां मुमकिन है। मैं याद करूंगा कि पाकिस्तानी बनने की जरूरत है, हमें किसी एक शख्स की शख्सियत पे नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान में अगर इमरान खान के लिए अरेस्टिंग या उनके खिलाफ मुकदमा बनाए गए और उनको अरेस्ट किया गया तो आप बिलीव करें कि उनकी मकबूलियत में 5,000 जायद इजाफा हो जाएगा, जितना अभी इजाफा है उससे जायद होगा। उसकी वजह एक है, क्योंकि जो सोशल मीडिया को टारगेट बनाकर पाकिस्तानी यूथ के अंदर जो मैसेज डाला गया है, उन्हें महसूस होता है, उन्हें फील होता है कि हमारा जो मसीहा है, हमारे मसाइल हल करने वाला, इंसाफ देने वाला वो इमरान खान है, लिहाजा उसको अगर अरेस्ट किया गया तो पाकिस्तान के अंदर एक तसादुम जैसी कैफियत रोनुमा। मेरा साहब एक सवाल का, आखिरी सवाल का जवाब दे दें, अगर आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए यूथ को इस बात का एहसास दिलाया गया तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन जमातें जो कि सालों साल से सियासत करती हैं, सालों का तजुर्बा रखती हैं, सालों की हुकूमत कर चुकी हैं, कितने सारे करप्शन के केसेस उनके ऊपर मौजूद रहे, उन तमाम तर सियासी जमातों का ये फेलियर है कि जो खान साहब कर चुके वो ये हुकूमतें ना कर सकें, ये वो ये पार्टियां ना कर सकें? बिल्कुल, देखें इमरान खान जो है वो एक विजनरी शख्स है और उन्होंने वाई जनरेशन को और फिफ्थ जनरेशन को अंडरस्टैंड किया है। 22 साल पहले ही उन्होंने एक यूथ को टारगेट किया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस टाइम पर 67% यूथ पर डिपेंड करता है। और उन्होंने देखें जो अभी हमारे पास वोट रेशियो है, अगर आप कराची के इलेक्शन को देखें तो लांडी में 8.65 था और अगर अभी आपने ये 11.8 जी एग्जैक्टली हम लियाकत का जी, तो उसमें अगर देखा होगा तो 15% है। देखें, एक बच्चा जो स्कूल में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अगर वहां पर लोग अगर वो अपने पर्चे में 33 मार्क्स ना लाए तो वो पास नहीं होता है। हमारी बदकिस्मती है कि हम 8.5% और 15% पर नेशनल असेंबली का एक कैंडिडेट चूज करते हैं, तो एक बड़ा तबका तो निकल ही रहनी है, लेकिन जो तबका निकल रहा है वो खामोश वोटर है जो सोशल मीडिया के जरिए उसकी जहन साजी हो गई है और वो बिल्कुल इमरान खान के फॉलोअर लेकिन हो जाते हैं। लेकिन लेकिन मेरा साहब मैं इस बात को समझाया ना कि आप कह रहे हैं जहन साजी हो गई, सियासत तो नाम ही जहन साजी का है। अब अगर आप ये कहें कि गलत से जहन साजी हुई है तो फिर वो बात अलग है। देखें, सियासत तो नाम फैसिलिटीज देने का है, लोगों को सहूलत देने का है, लोगों को गलत नैरेटिव को नहीं करने का है। तो आप कह रहे हैं खान साहब ने गलत जहन साजी की है या अवेयरनेस के नाम पे कुछ गलत कर दिया? बिल्कुल, जब आपने जब आपको ये पता था कि आप जो कर्जे से ये मुल्क चलता है, 9 महीने जब आप नहीं गए लेने के लिए तो आपका इंटरेस्ट रेट कहां पर पहुंचा, आप ही के टाइम के असर की वजह से
तीन साल तो मेरा साहब बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे फिर ये समझाएं कि अगर ये खान साहब नहीं गए, मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब के, मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के बहुत सारे बयान आते हैं जिसमें खुद कहते थे कि हम ये कर देंगे, हम आते ही पेट्रोल 65 रुपए का कर देंगे, 70 रुपए का कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। सर अगर वो गलत थे तो ये भी तो गलत हुए ना, वो गलत किया तो ये भी तो उन्होंने भी तो सही ना किया ना। डॉलर की कीमत तो 180 तक आ जाएगी वो सर, लेकिन 250 तक गई ना सर, इसी हुकूमत के होते हुए गई ना, इसी हुकूमत ने लग्जरी आइटम्स गुड्स को एक बार फिर से रिलीज किया ना। जो रिएक्शन है मोहतरम, एक्शन का रिएक्शन थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा मुमकिन नहीं होता है जो 3.5 साल की गलतियां उनको भी कंसिडर करें। मैं भी ये कहता हूँ कि इमरान खान एक ईमानदार शख्स है, एक बेहतरीन शख्स है, लेकिन मेरा साहब आखिरी सवाल का ये जवाब दे दें कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुदाखलत ना होती तो IMF का जो ये आपके मामला तय हुए, क्या वो मामलात इस मौजूदा हुकूमत के होते हुए तय हो सकते थे? और अगर वो मामलात तय ना होते तो ये डॉलर 250 रुपए से वापस रिवर्स होके आज 215-18 रुपए के लेवल पर आता हुआ नजर आता आपको? देखिए जहां जहां पर पाकिस्तान को लोग नुकसान पहुंचाएंगे और जहां जहां पर पाकिस्तान को फायदा पहुंचने की उम्मीद होगी वहां पर पाकिस्तान फौज नहीं बल्कि हर शख्स को आगे बढ़ना चाहिए। तो लेकिन जब हमारे सियासी लोग सर फौज का काम नहीं है, माजरत के साथ ये फौज का काम नहीं है कि वो माशी सूरत हाल भी देखे, लेकिन माजरत के साथ अगर हमारी सियासी लीडरशिप फेल हो जाएगी या वो नाकाम होगी तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को ही आगे आना पड़ेगा और फौज हम में से ही है, हमसे अलग नहीं। मैं कल बलूचिस्तान में खुशदार में था, मैंने वहां देखा है कि वहां पर आपके सियासी लोगों में कोई भी शख्स वहां मौजूद नहीं था। यकीनन खुशदार हालत आप देख लें, लोग खच्चर और ऊंटों पर भी मुश्किल से सफर कर पा रहे हैं, रोड सारे ब्रिजेस उठ गए हैं। देखें जहां पर वहां पाक फौज खड़ी हुई है वहां पर राशन घरों तक डाल रही है, आम आदमी ह्यूमन राइट्स और वेलफेयर वालों को सपोर्ट पाकिस्तान फौज कर रही है। क्यों नहीं वहां का CM मौजूद है, क्यों नहीं शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं है, क्यों नहीं वहां पर बिलावल साहब मौजूद है, क्यों? ये जहां पर पाकिस्तान फौज का काम ये नहीं है कि सैलाब जदगान को सेक करें, जहां जहां पाकिस्तान को जरूरत होती है, जहां जहां पर दुश्मनों से मुकाबले की जरूरत होगी, IMF से जरूरत होगी, सैलाब से जरूरत होगी, वहां पाकिस्तानी फौज और अफवाज खड़ी होती है मजबूरन। बहुत बहुत शुक्रिया मेहराज सिद्दीकी साहब आपके मौकफ का, और यकीन तौर पर पाकिस्तान फौज पाकिस्तान आर्मी हमारे सर का ताज है, हमारा फख्र है, और यहाँ पे ये बात भी ज़रूरी है कि जो हमारी सियासी लीडरशिप है उसको भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, एक मुस्बत एक बेहतर किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि एक रोशन पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाए। आज के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।